के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा भी हैं और दूसरी जानब सिंध असेंबली में जो है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं। तो इसी दौरान जो है ये बहुत बड़ा वाकया पेश आया जहां पर पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा। उसकी जो है मीडिया पर खबरें आने के बाद बिलाकर वजीर अला सिंध ने भी जो है ना सिर्फ आईजी सिंध से रब्ता किया है बल्कि कहा इजर है जरा की जनब से कि ख्वाजा इजहार उल हसन से भी जो है उनका रब्ता हो चुका है और इस मामले के तफसीली तौर पर भी जायजा लिया जा रहा है कि आया पुलिस की जानब से इस तरह से क्यों किया गया कि एक जो है सिंध असेंबली में जो जो कि अपोजिशन लीडर है उनके घर पर जो है बगैर किसी वारंट के छापा मारा गया। इसी दौरान आईजी सिंध से भी रब्ता हुआ और उसके अलावा एसएचओ को भी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। जी केम वासी भी बताएगा कि क्या बताया जा रहा है जिस मीटिंग का ख्वाजा इजहारुल हसन ने जिक्र किया। कुछ मीडिया चैनल्स ये खबर नशर कर रही हैं कि तर्जुमान वजीर आला हाउस इस बात की तरदीद कर रही हैं कि ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर जब छापा मारा गया वो वजीर आला सिंध से मुलाकात नहीं कर रहे थे। क्या सदाकत है, क्या हकायक है? जी बिल्कुल, ख्वाजा इजहारुल हसन या वजीर आला हाउस की जानिब से ये बात तो सामने नहीं आई कि उनमें कोई मुलाकात हुई थी। ताहम जो है कुछ मीडिया पर इस तरह की खबरें चली जिसकी इस वक्त तरदीद भी आ गई है। ख्वाजा इजहारुल हसन उस वक्त घर में मौजूद नहीं थे, वो कहीं और मीटिंग में थे और उसके बाद ही जो है उनके घर पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया। इस छापे के जो है खबर नशर होने के बाद ना सिर्फ ख्वाजा इजहारुल हसन वहां पर पहुंचे जबकि दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और पुलिस भी बिलखसूस, क्योंकि आईजी सिंध वजीर आला सिंध के नोटिस देने के बाद जो है आईजी सिंध ने भी एकामा जारी कर दी कि अब पुलिस टीमें जो है वहां पर जाकर ये जायजा लेंगी। और क्योंकि एसएचओ सौरभ गौर को भी इस वक्त मुअत्तल कर दिया गया है, एसएचओ से भी तफ्तीश की जाएगी, बात की जाएगी, उनसे भी पूछा जाएगा कि आया वो किस तरह से बगैर वारंट के जो है एक जो कि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर है उसके घर पर क्यों छापा मारा गया, क्या उनको इत्तला थी और किसके बुनियाद पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं जिसका अब हर किसी को इंतजार है क्योंकि ये इब्तदाई दौर है। इस वक्त जो है सिर्फ खबरें ही नशर हुई हैं और उसके बाद क्योंकि ख्वाजा इजहारुल हसन से भी जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि वो घर से बाहर हैं, कहीं मसरूफियात थी उनकी जो है पार्टी की जिसमें वो मसरूफ थे, उसके बाद अब वो घर ही पहुंच रहे हैं। घर में जब वो अहले जो खाना से मिलेंगे और उनसे ही तफसीलात पूछेंगे कि